जोर दिस इज राबा शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब जीशान. मीरब आई थिंक काफ़ी दिन हो गए हैं टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं जो हम हारे हैं बहुत बुरी तरह से अब मेरे ख्याल में लेट्स मूव ऑन जो अनदर टेस्ट मैच अब जो हमें आने वाले टेस्ट मैच के बारे में बात करनी चाहिए जो, जो इंग्लैंड टेस्ट मैच है ठीक है हार गए रात गई बाद गी, लेकिन रात गई गई नहीं हुई है हमें अभी भी दुख है हम अफसोस में हैं हम डिसअपॉइंटेड हैं अब देखना ये कि इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये ये चीज़ें होनी चाहिए पी की तरफ से प्लेयर्स के लिए कैप्टन के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो हम देखेंगे अब जानना ये है कि आने वाले टेस्ट मैच में क्या सूरत हाल बनती है बिल्कुल सही बात है और इसी के साथ साथ हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते चले तो नाजिर हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और अक्सर ही हमारे साथ होते हैं और कुछ ज़्यादा ही सच बोल जाते हैं शानवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है अलगम शाहनवाज साहब वाले दूसरी जानेब नाजरन वनरी फ़ाख्ता आज बुलबुल -बुल से मेरे रंग में मौजूद है लेकिन फ़ाख्ता फ़ाख्ता ही होती है असलम कादिर कैसे हैं आप शाहनवाज साहब और कादिर साहब क्योंकि टेस्ट के बाद कादिर से तो हमारी मुलाकात हुई थी बांग्लादेश से जब हम रहे थे बल्कि उस वक्त कदिर हमारे साथ ही थे लेकिन शाहनवाज साहब आपसे बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है तो जब पाकिस्तान मतलब बुरे हालात में था रन होते जा रहे थे और विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग तो उस वक्त आपकी क्या तसरात है देखिए तासरात तो मेरे भी वही थे जो आपके थे मैं भी जाहिर है इसी कौम का एक हिस्सा हूँ हाँ। अच्छा मीरब और राबिया मैं अपनी इस हवाले से गुफ्तू से पहले ना एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आज हमारे बहुत ही लेजेंड हमारे बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। हमारे बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में जिस शख्सियत ने हमारी क्रिकेट के हवाले से शनाख्त बनाई अब्दुल कादर साहब की आज बरसी है पाँचवीं बरसी है और मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा इंसान था और बड़ा सच बोलने वाला बंदा था और अल्लाह ताला उसकी मकफियत फरमाए मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और वो सभी के दोस्त थे क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो सब के दोस्त होते हैं सो ये है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए ये एक कर्ज था मुझ पर जो मैंने कोशिश की है कि मैं उतार दूँ एक दोस्त के लिए अब बात है होती है खेल की और आपने कहा कि जी आपके क्या तासुरात थे मेरे तासुरात ने एक बहुत ही छोटे से मासूम बच्चे कैसे थे कि मैं एक लम्हे के अंदर जो था वो मुस्कुराने लगता था और एक लम्हे के अंदर अपने ही पास बैठे हुए आ, अपने ही बच्चों से पूछा करता था कि तुम्हारा क्या ख्याल है पाकिस्तान जीत जाएगा ठीक है ना लेकिन ये सिर्फ एक मतलब एक वो ख्याल थे वरना जो कुछ वहाँ हो रहा था वो तो एक दीवार पर लिखा हुआ था कि होना क्या है पर मतलब पाकिस्तान की हार जो थी वो बिल्कुल वाज तौर के ऊपर नजर आ रही थी क्योंकि जो कुछ हमने वहाँ गुल खिलाए हैं ना रावल के अंदर वो मेरे ख्याल हमें मुद्दतों याद रहेंगे कि हमने खेल के किसी शोबे के अंदर भी तो जद्दोजहद नहीं की कहीं पर भी तो हम लड़ते हुए नज़र नहीं आए कि हम कहीं पर लड़ रहे हों और कोशिश कर रहे हों कि यार हम ये फतह जो है उसको समेट लें या शिकस्त से बच जाएं किसी तरह हम मैच बचाने की पोजीशन में ही आ जाएं लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था और हमारे खिलाड़ी यूं खेल रहे थे जैसे कि गली मोहल्ले के लड़के नहीं खेल रहे होते बिखरी हुई एक टीम थी कोई तालमेल नहीं था उसके अंदर कहीं कोई कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं था कप्तान हमारा ऐसे बाउलों की तरह से इधर से उधर नजर आ रहा था ना उसका हंसने का पता चलता है बेचारे का ना, ना, ना। उसका गुस्से का पता चलता है तो वहाँ सूरत हाल जो थी ना बस वो ऐसी ही थी जैसी पूरे कौम की है लेकिन ये कि ये एक बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि आखिरकार ऐसा क्यों है हम क्रिकेट की दुनिया के ना एक जिसको कहना चाहिए कि ताकतवर तरीन उसमें शुमार होते हैं पावर में शुमार होते हैं हमने पचास ओवर का जो है वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है हमने टी ट्वेंटी भी जीता हुआ है हमने चैम्पियन ट्रॉफी भी जीती हुई है एक एक हमने बहुत सारे मतलब मार्के मारे हुए लेकिन वहाँ हम लगी नहीं रहे थे कि यार हम इतने पावरफुल और इतनी मजबूत क्रिकेट खेलने वाले लोग टीम जो है ना वो अब मतलब रिटायर हो गई है अब सिर्फ एक चैम्पियंस ट्रॉफी जीतकर हम समझते हैं कि हम चैंपियंस हैं नहीं वो तो अपनी जगह है कि हम चैंपियन ट्रॉफी जीत का चैम्पियन तो हम हैं लेकिन असल चीज ये है कि आखिरकार हमें हुआ क्या है हमें किसकी नजर लगी है आखिर हम क्यों मतलब इस तरह से खेल पेश कर रहे हैं जैसे हमें खेलना नहीं और सिर्फ ये एक नहीं हम किसी एक खिलाड़ी को मुरूद इल्जाम नहीं बना सकते ये तो पूरी जो इज्तमाही हमारी टीम की कारकर्दगी थी ना वो इंतहा जिसको कहना चाहिए कि पैथेटिक थी और शर्मिंदगी का बायस थी लेकिन कौम शर्मिंदा थी खिलाड़ी शर्मिंदा नहीं हुए और फिर अपना ना हमारा क्रिकेट बोर्ड इस पर शर्मिंदा हुआ है कि कोई हम अपनी शर्मिंदगी का एहसास कर रहे हो या कहीं कोई ये कह रहा हो कि हाँ वाकई हमसे जो है ना ये सब कुछ जो है ये ठीक नहीं हुआ है हर जगह के ऊपर मतलब अपनी अकड़ उसी तरह से है पूरी कौम जो थी वो शर्मिंदा थी सो ये है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमें यकीनन गौर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिरकार एक सुपर पावर जो है क्रिकेट की वो एकदम धड़ाम से आकर अब आठवें नंबर पर आ गए हम टेस्ट रैंकिंग के अंदर हमारा जो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी जिसको हम गर्दानते थे वो टॉप टेन से भी बाहर निकल गया तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सोचने की बात है कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है कादर जस्ट टू रिकॉल द मेमोरीज जरा शाह साहब के सपोर्ट आज शाह साहब पहली दफ़ा आए हैं ना जब से हम हारे हैं तो जस्ट यू नो रिक दें जरा थोड़ा सा क्या तासुरात थे आपके भी और अभी तक जितने भी हमने सिचुएशन देखी हैं जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं शाह मसूद के हवाले से बाबर शाहीन और ये वो चीज़ें क्या कहेंगे अभी तक देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो शान मसूद की स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल फजूल थी और बेबुनियाद थी उनमें कोई उस उस वो जस्टिफाई नहीं कर सकते थे परफॉर्मेंस पर अपनी परफॉर्मेंस पर भी और टीम की परफॉर्मेंस पर भी वो कैप्टन वो होता है जो अंदर लड़ता नजर आता है जो, जो आपको आ, फ्रंट आ, जो लीड करता है जो आके तमाम लोगों को हौसले देता है तमाम प्लेयर्स को हौसले देता है ये नहीं होता कि आप जो है वो अपने आउट होने पर शोर मचा दो शोर और अंदर जाके बैठ जाओ आप जो है वो कम अज कम प्लेयर्स को इतना बैक करो सपोर्ट करो अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं परफॉर्मेंस दे रहे तो भाई अब्दुल्ला शफीक को प्रेशराइज करने के बजाय आप उनको समझाओ जरा बैठो उनके साथ के मसला कहां पे आ रहा है नहीं आ सकते इतने कोचेज हैं ठीक है, है? जिधर हमारा जिधर जिस डिपार्टमेंट में हम लैक कर रहे हैं आज तक उसका हमने कोई कोच नहीं रखा हाँ। स्पिन बॉलिंग कोच ठीक है हमने बैटिंग कंसल्टेंट रख लिया हमने फास्ट बॉलिंग रख लिया हमने असिस्टेंट कोच गोरे का रख लिया हम स्पिन बॉलिंग कोच क्यों नहीं रखते अबरार अहमद का रोला डाला हुआ था सारों ने अबरार अहमद ने क्या किया अबरार अहमद की परफॉर्मेंस नहीं आई वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी में भी आ, उनको जो है वो बाहर बैठाया गया अलबतः आप देखें कि शहीन को नसीम को बाहर करना आ, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको जो, जो है वो शहीन और नसीम पर अतबाद नहीं रहा और अतमाद नहीं रहा जिसकी वजह से आपने उनको बाहर निकाला आपने उनको मौका नहीं दिया दूसरे टेस्ट में तो आपके एक सीनियर बॉलर के साथ जब आपका जूनियर बॉलर बॉल कर रहा होता है उसको बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है Definitely. और अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती जिस तरह हुँ. मुझे याद है 2022 -20 हजार वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मार पाड़ी थी नसीम शाह को शुरू के ओवर्स में हाँ. <coughs> सॉरी उसके बाद हारिस रऊफ और शहीन शाह फ्रीदी ने हमारे सामने उनको समझाया था नसीम शाह को तो नसीम ने उमदा बॉलिंग की आखिरी ओवर किए उसमें उसने ना बैंक को हिलने दिया ना दूसरे जो बैटर्स थे उनको हिलने दिया तो ये सीनियर्स का रोल बड़ा अहम होता है और उनको प्ले भी करना चाहिए इस हवाले से आपके जो प्लेयर्स थे बिल्कुल इंडिविजुअल खेलते दिखाई दिए सबको अपनी अपनी जगह सिक्योर करने की पड़ी हुई थी वहां पर कोई ऐसी टीम गेम हमें नजर ही नहीं आई किसी एक मौके पर हमें टीम गेम नज़र आई है बांग्लादेश की हाँ। जो लड़ते दिखाई दिए हालांकि उनके जो मुल्क के हालात थे वो यहाँ पर प्रैक्टिस अर्ली प्रैक्टिस करने आए और यहाँ पर जो है उनको दावत दी गई पीसीबी की तरफ से तो पीसीबी ने दावत देकर अपने खिलाफ खुद ही होता है तो आप देखें कि अभी हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये वाली जो शिकस्त है इसके बाद हमें उठ उठना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे इंग्लैंड की सीरीज आ रही है इंग्लैंड में अगर आप तजर्बे तो करेंगे तो आप फिर हारेंगे आप जेनी तौर पर तो हार चुके हैं अभी से अभी से ही जेनी तौर पर आप इंग्लैंड से हार चुके हैं कि आप पहले भी सीरीज हारे में आपके पास वेन्यू भी फाइनल नहीं हो रहा आप कभी जो है वो कुछ खबरें चल रही है कि जी अबू धाबी में जाएगा कुछ चल रही हैं श्रीलंका में जाएगा तो ये जब चीज़ें अच्छा इंग्लैंड बारहवीं आर्मी ने अपना बयान जारी किया उन्होंने कहा जी हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है हमने वहाँ पे होटल बुक करना है हमारी जो है वो बारहवीं आर्मी ने आना है यहाँ पर जो शायक क्रिकेट है इंग्लैंड के उन्होंने आना है आप लोग कुछ हमें पिक्चर क्लियर करो कोई नहीं बता रहा कोई मुल्तान का तो है उन्होंने देख ये मतलब मैच मुल्तान, मुल्तान में मुल्तान में।, में मुल्तान में सर मुल्तान में है तो सही है लेकिन अभी जो जो खबरें गर्दिश कर रही हैं अभी जो पीसीबी के अंदर और चीजें हैं अभी वो फाइनल नहीं हो सकी एक वेन्यू पर एक वेन्यू पर तीन टेस्ट मैच कराना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा इसलिए अब कराची में तो करा नहीं सकते तो इस्लामाबाद वाला जो है वो इनको पता लग गया कि पिच का हाल क्या है इनके साथ होना क्या है तो फैसलाबाद में वो वैसे ही मैं के मुताबिक नहीं है तो इनको चाहिए अगर आप लोगों ने चैम्पियंस ट्रॉफी करवाने का अगर आपको इवेंट करवाने का इतना शौक है ये वर्ल्ड कप जैसे इवेंट आपने होश आगे करने हैं तो अपने स्टेडियम्स को अब जाके अपग्रेडेशन हो रही है मोहसिन नकवी साहब ने अब अपग्रेडेशन शुरू की है ये अपग्रेडेशन तोकिर जया के ज़माने की हो जानी चाहिए थी जब से आपको सर याद होगा कि उस टाइम पर स्टेडियम की क्या हालत थी आ, अभी अब जो तो अब खासा अभी अभी जो है, अभी तो जिस तरह छत एक दफा डली थी कराची स्टेडियम की फिर उसके बाद ये स्टेडियम फॉरन बिल्डिंग बनी सामने वाली तो पहले तो वो आ, आप समझे कि पत्थरों के, के दौर में जिस तरह होता है उसी तरह चल रहा था सिस्टम ये चीजें पहले अपग्रेड अपग्रेडेशन इसकी होनी चाहिए थी और दूसरी चीज आपकी क्रिकेट की अपग्रेडेशन तब होगी जब आप फैसले मेरिट पर लेंगे और मेरिट पर जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल करेंगे नहीं अभी किसका इंतज़ार होगा ख्वाजा और मजीद आप ग्रेड ग्रेडुएशन के लिए कि मजीद और कितनी शिकस्तें जो हैं वो हमें भुगतनी पड़ेंगी फिर जाकर कहीं हम उस तरफ आएंगे कि थोड़ा सा काम करें अभी आप जैसा कह रहे थे ना कि खिलाड़ियों में एक दूसरे के साथ तब भाई हम मै हमने जो क्रिकेट देखी है हमने जो बड़े गौर से मतलब क्रिकेट को देखा है हमने बड़े बड़े नामवर कप्तानों को जो है जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनके साथ बातचीत करते हुए देखा है एक बड़ा नाम जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप जो है उसने जितवाया है इमरान खान ने आधी से ज़्यादा कप्तानी जो थी वो तो जावेद भी आज़ाद किया करता था ठीक है ना उसको बुला बुला कर कहता था आप इसको भी चेंज कर दो यूँ कर दो इसको यहाँ ले आओ इसको यहाँ ले आओ बात ये कि वहाँ जो मौजूद थे सीनियर्स मैं सीनियर के अंदर रिजवान को भी कहूँगा मैं अपना आ, बाबर आजम को भी कहूँगा कि ये लोग मौजूद इन्होंने कप्तान के साथ कितना कोई मतलब कोपरेट को, किया इन्होंने भी उसको तनाह छोड़ा हुआ था और इसका मतलब ये था कि सब अपनी अपनी वो जो आपने कहा ना बिल्कुल दुरुस्त है कि सब अपनी अपनी गेम खेलने के चक्कर के अंदर थे अपनी अपने मफादात की जो थी वहाँ लड़ाई हो रही थी कौम के मफादात को सब ने उठाकर फेंका हुआ था अदरवाइज ये कि अगर ये भी उसको थोड़ा सा समझा लेते तो कोई मतलब इतनी बुरी बात नहीं थी लेकिन बात यह कि उसके बावजूद भी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल हुआ हुआ है अगर इसकी तरफ मज़ीद ना किया गया और संजीदगी से ना किया गया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि यह भी वही हॉकी बन जाएगी जो हमारा कौमी खेल है जो कभी हमारे लिए तुर्रा इम्तियाज हुआ करता था हाँ। और आज उसका नाम भी नहीं है सो यह है कि अब अगर मजीद हमें मुसलसल शिकस्तों की का इंतजार है और उसके बाद हम कहीं जाकर कोई अपना जो है सर्जरी करेंगे तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तक तो शायद सर्जरी भी ना हो और जिसम जो है वो मफलूज हो गया हो होना साहब क्रिकेट का बुरा हाल तो है लेकिन हमारा <coughs> मसला अपना है ना अंदरूनी मसाइल है अख्तिला हैं कोई स्ट्रेटेजीज नहीं है कोई प्लानिंग नहीं, नहीं है अब इंग्लैंड कितनी तैयारी कर रहा है वो कह रहे हैं कि हमें पहले वेन्यू बताएं हमने पिच के अकॉर्डिंगली प्लेयर सेलेक्ट करने हैं हमने टीम सेलेक्ट करनी है हमने बनानी है हमारे यहाँ पे तो किसी को कोई होश ही नहीं होनी नहीं ये तो खाजा उनको, अंदर रहते है उनको उनके। उनको जो है ना उनको फिक्र एक साल पहले की हो जाती है जब उनका कैलेंडर इशू होता है ना किसी भी बोर्ड का कोई आगे फ्यूचर उसका एफटीपी जब जारी होता है तो वो उसको उनकी तैयारियां वहां से ही आगाज हो जाती हैं आप इंडियन क्रिकेट टीम को देखें उन्होंने जिम्बावे के खिलाफ अलग स्क्वाड बनाया होता है श्रीलंका के खिलाफ अलग स्क्वाड बनाया होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज इन इन टाइप ऑफ टीम्स के लिए अलहर स्क्वाड तश्कील दिया होता है उनकी प्लानिंग्स ये हैं कि उनकी दिलीप ट्रॉफी रणजी ट्रॉफ़ी और बाकी जो दूसरे कप है वहां से अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक प्लेयर्स को चांस देते हैं आई में परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को चांस देते हैं वो ये नहीं करते कि आप जो है वो डोमेस्टिक में जो हमारे प्लेयर जो है जिन्होंने हज़ार हज़ार रनस बनाते हैं एक एक सर्कल में उनको जो है वो तनहा छोड़ दें और जो पैराशूटर्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता उनको जा जा कप्तान भी बना दें और उनको टीम में भी डाल दें इस तरह नहीं होता आप अभी सीनेरियो uh, जो पाकिस्तान टीम का ना इस टाइम पर इस टाइम पर पाकिस्तान टीम इस वक्त हिस्ट्री के सबसे आ, आ, बुरे दिहाने पर इस टाइम मैं कहता हूँ कि यहाँ पर है आप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में आपको उस टीम ने शिकस्त दी जो पहली मरतबा कोई बड़ा इवेंट खेल रही है ठीक है आपको बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज़ हराई उन्होंने टेस्ट सीरीज़ हराने के बाद काब के साथ वैसे तस्वीरें ली हैं जिस तरह रोहित शर्मा पांडिया और बाकी प्लेयर्स ने वर्ल्ड तो कप जीतने के बाद ऑप्शन भी 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 है है कि ये पीएसएल के लेवल तक इसको लेकर जाना है पांच पांच इसके मिनटोर्स लगाए गए हैं हम उसको उस पर थोड़ा गौर करें हमें यहाँ से कुछ मिल जाए और यकीन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कुछ मिलेगा अभी इसका स्पॉट भी अनाउंस हुआ है कादिर क्या अपडेट है अच्छा ये टूर्नामेंट जो है जिस तरह

पहले कायदाजम ट्रॉफी वन डे कप फिर नेशनल टी ट्वेंटी हाँ, फिर इनमें जो इनमें से जो लड़के परफॉर्मेंस देते थे वो पेंटेंगुलर में आते थे अब इन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि पेंटेंगुलर शुरू में कर दिया और बाकी दरमियान में कर दिए मतलब इन्होंने तीन साल के जो लड़के परफॉर्मेंस देने वाले लड़के हैं ना गुजश्ता तीन साल से जो डोमेस्टिक में दरवाजे खड़गटा रहे हैं परफॉर्मेंस देकर उनको शामिल किया है अब हो सकता है वो जो तीन साल वाला जो प्लेयर है पिछले साल का सीजन खत्म हो चुका है डोमेस्टिक का ये अभी नया डोमेस्टिक दो हाँ। हजार का अब शुरू हो रहा है दो के डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी क्या इतनी शोर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो दो में भी परफॉर्मेंस देगा सही बात इतने, इतने है। सही सही बात। बात। होना तो ये चाहिए था कि आप 2024 में आगाज करते कायदेम ट्रॉफी से नेशनल वनडे कप एंड पे रखते पैटर्न इनके पेंटेंगुलर से पहले टी ट्वेंटी दरमियान में करीब जाकर नेशनल जो परफॉर्मेंस हाँ। देने वाले करंट ईयर के परफॉर्मेंस देने वाले मिलते कामयाब जिससे आपको आगे जाकर ये मिलेगा कि आपकी जो फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है वहां पर आपको फायदा मिले अगर आप लोगों ने वाकई इसको अपनाना है तो वरना मुझे जिस तरह पहले होता है अगर वैसे होता रहा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी और लड़के बदजन हो जाएंगे जिसमें से दो तीन लड़के बदजन भी हुए अहमद शहजाद ने बकायदा तौर पर ट्वीट की उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया पे आके ये बात की कि हमारा जो चैंपियंस कप है इसमें सिफारशी टोला है इसमें जो लोग हैं वो सफारशी हैं मैं नहीं आना चाहता इस सफारशी कल्चर में और डोमेस्टिक के जो लोगों के परफॉर्मेंस है उनको शामिल नहीं किया जा रहा बाकियों को शामिल किया जा रहा तो ये जब आप ये वाले जो दाग हैं जब तक नहीं धोएंगे तब तक आप पे उंगलियाँ उठती रहेंगी अच्छा बारह से उनतीस जो सितंबर है उस में इसका ये टूर्नामेंट का इनका होने जा रहा है लोकेशन इसकी फैसलाबाद है और फैसलाबाद के स्टेडियम में अभी जो पहुंच भी गए हैं तमाम खिलाड़ी पांचों मेंटोर्स ने कहा था पहले अच्छा ये रिपोर्ट करना है आज से फैसलाबाद फिटनेस का उन्होंने वेन्यू तब्दील कर दिया और जो ट्रेक्स है जो ट्रेनर हैं फिजियो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उनको भी रिक्वेस्ट की थी पांचों मेटोर्स ने कि तमाम लड़के फैसलाबाद में वहां पर उनको भेज दें पीसीबी ने उनको वहां पर भेज दिया वहां पर फिटनेस टेस्ट सात तारीख को होंगे और फिर नौ तारीख को होंगे अच्छा कुछ जो है वो आ, फिर उसमें से भी खबरें निकलेंगी कि फिटनेस टेस्ट इसने पास कर लिया इसने नहीं किया इसने हाँ। इतने पॉइंट्स क्योंकि साठ फीसद अब जो है वो फिटनेस टेस्ट का म्यार उन्होंने साठ फीसद हाँ। तक रख दिया लड़के आएंगे सर इसमें पच्चीस लड़के हैं नहीं मैंने कहा उस पर आठ पे साठ पे अल्लाह करे साठ पर उतरे पे पे अल्लाह करे कि एक उतर है <laughs> एक होंगे जो उतरे उतर क्योंकि आप देखे कि अच्छा मजे की बात सर 2019 के बाद पांच साल के बाद ये फिटनेस टेस्ट फिटनेस हो नहीं एक में भी हुआ था नहीं रह गए हाँ। थे अब यहाँ ये साठ उन्होंने दिया है कि कम से कम जो है सिक्सटी परसेंट जो है वो आपको शो करनी पड़ेगी अपनी फिटनेस कितने लोग होंगे और अपना ख्वाजा ये भी तो जरा बताओ कि ये जो जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो टीमें बनाई गई हैं, इनकी जो सिलेक्शन का म्यार है वो क्या रहा है और वो मतलब वो किस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं वो अच्छा लड़के? कौन सा क्राइटेरिया था कि जिसके ऊपर उनको वो सिलेक्ट किया गया कुछ नहीं पता अच्छा सर मजे की बात बताऊं आपको हुँ। जो ये कप्तान है ना उनको भी नहीं पताक्ट हुए कप्तान बताए और बताएं मेरी कई ऐसे कप्तानों से बात हुई जिस जब मुझे खबर मिली तो 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 उनका अब अब आ आगे हारिस आ गया हारिस अच्छा पांच टीमें हाँ। डॉल्फिन लॉयस पैंथर्स और बोल्स डॉल्फिन के जो हैं वो कप्तान साउथ शकील हैं लायंस के शहीनशाह अफरीदी हैं जो कार्यूनस उनके मेंटोर हैं पेंथर्स जो है वो सकलैन मुश्ताक की टीम है और शादाब खान उनके कप्तान है जो कि उनके दामाद भी, रहते दामाद हैं तो स्टेलियंस जो है वो मोहम्मद हारिस और शुब मलिक इसके हैं स्टेलियंस जो है ना मुझे बड़ी पसंद आई है टीम सर आपने वो स्टेलियंस की टीम अगर मैं आपको बताऊँ तो आप तो कमाल हो गया उसमें सर उसमें बहुत बड़ी टीम उस हमने हाँ, बनाई है मतलब शुएब मलिक ने जो पिक किया टीम वो बाकी से उनको एज हासिल है वोल्स जो है वो मिसबा उलहक की है और रिजवान इसके कप्तान है जबकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रेक्टेड प्लेयर्स थे जिन्होंने नहीं इसमें शामिल हुए उसमें मोहम्मद नवाज है उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं किया इमाद वसीम हैं वो इस टाइम पर खेल रहे हैं सी पी एल खेल रहे हैं फिर उसके बाद अरशद इकबाल आ, फिर उसके बाद हसन अली एह सान्ला मोहम्मद वसीम जूनियर ये इंजर्ड प्लेयर्स हैं hmm. जो कि चैंपियंस कप का हिस्सा नहीं है और अन अनवेल, अवेलेबल प्लेयर्स में अहमद शजा चुके पहले ही बाहर हो चुके हैं हाँ, उन्होंने खुद तो ऐलान कर दिया फिर उसके बाद तो हारिस सोहेल मोहम्मद आमिर मोहम्मद अब्बास वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं मोहम्मद अल्यास और उमर अकमल उमर अकमल ये लोग नहीं है इस चीज़ में और जो जो वापस आएंगे चैम्पियंस कप में कुछ लीग्स खेल के तो वो फखर जमान है वो 10 सितंबर को ज्वाइन करेंगे और सी पी एल चूँकि खेल रहे हैं तो 10 सितंबर को वो कैंप ज्वाइन करेंगे आ, फैसलाबाद में तो दूसरे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था और वो फेल हो गए उनमें अली शफीक है अली जरियाब है आरिफ याकूब है दानिश अजीज़ हैं मोहम्मद रमीज़ राजा जूनियर हैं सात बेग हैं रमीज़ अजीज़ हैं शर्जील खान भी हैं और शावेज खान भी हैं तो सक्सेसफुल जिन्होंने किया आजम ने कर लिया आजम सर है ही नहीं आजम है आजम गए हुए हैं जनाब अच्छा, उनको शामिल ही नहीं किया अच्छा, शामिल शामिल नहीं नहीं नहीं। नहीं कि अच्छा। ये जो है फिटनेस टेस्ट पे पूरे नहीं उतरेगा वो सबकी फिटनेस टेस्ट पे देखिए सर आप ये चेक करें कि हमारे जो पिछले जो सिलेक्टर रहे हैं उनको उनको कम से कम हमें पकड़ना चाहिए कि भाई आजम खान को किस बुनियाद पे सिलेक्ट किया अगर आपने आजम खान को सिलेक्ट किया तो फिर का और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका हक हाँ क्यों क्यों मारा मारा है आपने कादिर मुझे ये बताएं कि ये पांच कप्तान जिनके नाम लिए हैं आपने इसमें से सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जिनको मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है अगर आपको उभरता हुआ सितारा फ्यूचर के लिए चाहिए अगर आपने रिजवान को शाहीन को शादाब को विद नो ऑफेंस अगर आपने उनको टीम का कप्तान बनाना है तो आपने क्या मुस्तबिल के लिए कप्तान तैयार नहीं करते आपने उन्ही लोगों को सामने लेकर आना है देखिए हमें मेंटोर्स ने ना मुतद मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कल सरफराज अहमद ने कहा कि हम कप्तान उसको बनाएंगे जो आगे पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर सके इन फ्यूचर और सरफराज अहमद मेंटोर भी और ख़ुद भी खेल रहे हैं टीम डॉल्फिन की तरफ से ये मसला हमारे अंदर ये आ जाता है कि हमारे पास प्लेयर्स की लॉड बहुत मौजूद है डेढ़ सौ प्लेयर्स है ना डेढ़ सौ प्लेयर में से पांच कप्तान ऐसे नहीं है जो आपकी टीम को संभाल सके संभाल सके बिल्कुल मतलब मोहम्मद हारिस और सऊच की ये यंगस्टर है ये दो ही हैं कि जिनके जो यंगस्टर ये है बिल्कुल और शेब मलिक को इस इस चीज का क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा प्रेशर था बाबर आजम के लिए शान मसूद के लिए कि इन दोनों में से कोई कप्तान बनाओ

तो वकार ने कहा जी हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है कप्तानी के लिए तो शाहीन को वापस किया जाए तो कप्तानी का मेरिट तो क्या है किस मेरिट पर कप्तान कप्तानी का रहे? मेरिट बस यही एक थोड़ा बहुत आपको सीनियर होना चाहिए और दबदबा होना चाहिए आपका आपको या, तो है आप, वो। आप, आप, आपका आपकी सिफारिश तगड़ी होनी चाहिए देखिये ना कादिर ये तो वही तीन चार नाम है ना रिजवान ले लें शहीन ले जिनकी देखिये रिजवान तो वो है ना जिसने आइंदा आपके तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करी ठीक है रिजवान तो एक वो हो गया जय आपको खबर दे दी और आपने क्या करना है आप मेरे से क्या लेना है मुझे ये बता <laughs> आपको कहा कि रिजवान आपके चैंपियंस ट्रॉफी में भी कप्तान हो, हो सकता है मे भी और मे भी आगे तीनों फॉर्मेट में कप्तान हो सकता है यानी चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम बाबर आजम का जो सितारा है वो गर्दिश में है और इस साल इस साल के एंड तक हो सकता है कि उनसे कप्तानी से कहा जाएगा जी थैंक यू वेरी मच सर आप टीम में खेलें आपकी जरूरत टीम को है अच्छा ये भी बताइए कि ये जो एक खबर बड़ी चल रही है कि वो टेस्ट मैच नहीं सर वो, वो वो बिल्कुल वो अब हाथ है। उठाने शुरू कर दिए हैं कुछ खिलाड़ियों ने कि जी हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे नहीं, नहीं नहीं सर टी कोई इतला नहीं है वो इंडियन मीडिया जो है वो थोड़ा बहुत प्रोपोकटा कर रहा था

कम से कम लोगों को एक ऑथेंटिक जो चीज है एक ऑथेंटिक जो सोर्स ऑफ न्यूज है कम से कम उसको देखना चाहिए और दूसरों की बातों पर यकीन नहीं और करना आप देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आप बेशक कारकरी बुरी है आप एक कप्तान को डायरेक्टली ये सवाल कर रहे हैं हाँ जी भाई आप इस्तीफा दे रहे हैं फिर

लेकिन उस चीज़ को उनको उनको दाद जाती है कि जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया एक पढ़े लिखे तो हैं ही हैं वो लेकिन उनको एक सेंस है बाहर उन्होंने क्रिकेट बहुत खेली है बाहर काउंटी में भी कप्तानी करते हैं तो उनको इस चीज़ की सेंस है कि उनको कैसे हैंडल करना बल्कि वहाँ तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीसीबी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्होंने इस सवाल के ऊपर उन्हें रोकने की कोशिश की हाँ। कि भाई ये तो, तो, तो शान ने इशारा किया कि नहीं बात करने हाँ। दो बात करने दो मैं जवाब दूंगा बिल्कुल बिल बात सारी वो हैं कि भाई कप्तान वो बड़ा शरीफ आदमी है पढ़ा लिखा है ये वो असल जो सवाल इस वक्त पैदा होता है ना जो पूरी सत्ताईस करोड़ अवाम जो सवाल कर रही है वो ये कर रही है कि ये बताया जाए कि इस टीम का जो ये बुरा हाल हुआ है आखिरकार कैसे हुआ है और इसका इलाज क्या है आप मतलब इसके हवाले से कर क्या रहे हैं कि मतलब कोई ऐसे प्लान है कि फ्यूचर के अंदर आकर हम वो अपनी खोई हुई इज्जत और गैरत जो है जिसका हमने तमाशा लगा दिया कि हम अपने ही ग्राउंड के अंदर अपने ही क्राउड में अपनी ही विकटों के ऊपर हम बांग्लादेश से हार गए हाँ। बात यह कि इन तमाम चीजों के ऊपर भी कुछ पर्दा डालने के लिए ना कुछ और जो सिलसिले हैं उनको शुरू कर दिया जाता है जैसे अब यही आ गया कि जी पांच मैंटोर बन गए पांच कप्तान बन गए टीम का ऐलान कर दिया लोग अब वो ये पूछ, मतलब ये सर्थ उस तरफ से तोज्जो ही हट गई है सर वो यार हम जो हारे हैं उसका क्या बनेगा उसका कौन जवाब देगा वो तो दूर की बात है चैंपियंस का तो फिर

इसकी बुनियादी वजह क्या है किसी का इस तरफ ख्याली कोई नहीं, का है ना, नहीं। और अभी आपने इतनी हेबतना खबर सुना दी हमें कि जनाब ये जो इंग्लैंड अब आ रही है उसका भी आ, जो है, है मामला जो है वो ऐसा लग रहा है कि हाँ। कुछ पता ही नहीं कि कहा हालांकि कहा यह जा रहा था कि मुल्तान में होगा पहला टेस्ट मैच मुल्तान में होगा फिर देखेंगे कहीं और हो सकता है नहीं हुआ तो तीनों मैच जो है वो मुल्तान में होंगे हाँ। तो अच्छा लेकिन अगर ऐसा वाला नहीं खेला गया यहां क्या हो रहा है ये मतलब लेकिन सर पीसीबी जो हमें पीसीबी सोर्सेज से पता लगा उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अभी तक इस शेड्यूल में कोई चेंजिंग नहीं है ये इंग्लैंड बारहवीं आर्मी ने भी जो उनकी जो शायक क्रिकेट है जिस तरह ग्रुप ऑफ जो है वो वो उन्होंने एक पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है उस उसमे बड़े प्रोफेशनल लोग भी काम करते हैं कम अज कम उनको ये चाहिए कि आप लोग ट्वीट कर दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मीडिया रिलीज जारी कर दे लोगों को बता दे वर्जन क्या क्या हाँ। इसको यहाँ पर हाँ। कंफर्म करे हाँ। भाई सारा जो क्योस है वो खत्म करे जो यहाँ पर क्या सराया शुरू हो जाती हैं वो उनको उनको दफन करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए लोगों को कि भाई ये मैच मुल्तान में हो रहे हैं पहला मैच मुल्तान में हो रहा है कर करें हाँ। दूसरे मैच का कर ना करें और ये बड़ी बदनसीबी होगी हमारी अगर तो इंग्लैंड का जो दौरा है वो किसी और जगह के ऊपर अगर मुंतकिल किया जाता है और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान में नहीं कहीं और होते अच्छा हैं तो मैं समझता हूँ बड़ी शेमफुल और कुछ होगी नहीं बात दलील है इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में नहीं नहीं खतरे में तो है अभी तो बहुत सारे सवाल आते हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो यहाँ की रौनकें बढ़े यहाँ खेल के बड़े बड़े माके हैं लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है वो बंदा वो के जिसने अपना आपका श्रीलंका के अंदर मैच जो है वो दूसरे शहर में नहीं होने दिया उसने कहा कि जितना मर्जी मौसम खराब होता रहे तो बिरहाल ख्वाजा तो थे वहां श्रीलंका के अंदर घुटनों घुटनों पानी जनाब वहां खड़ा हुआ है वो बंदा कह रहा है यहाँ ही मैच होगा हम तो दूसरे शहर के अंदर नहीं जा यार वो कैसे मतलब उनको हजम हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो, वो पाकिस्तान में हो जाए हो हाँ। ठीक है या नहीं तो दूसरी बात ये कि एक और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में दो हुकूमतों का भी मसला है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया ये जो दो बोर्ड है ये तो बिल्कुल मतलब ये कि बेजरर होते हैं हाँ। चाहते हैं कि ये खेलें एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मुल्क में आके खेलें दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की टीमें जो है वो आकर हमारे मुल्क में खेलें हम चाहते हैं वो आकर यहाँ पर खेलें लेकिन वो जो हमारे एक सियासी मसाइल है दो मुल्कों के दरमियान जो हमारे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी जहन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या पॉसिबल कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए और इंडिया यहाँ आ जाए और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट फिर भागते फिरेंगे उधर ट्रेवल यहाँ हो रहा है अब जब चैंपियंस कप आ रहा है यू you नो know, एक प्रैक्टिस का एक नया मौका मिल रहा है चलो चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए हम तैयार हो रहे हैं अभी रिसेंटली रमीज राजा साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो टेस्ट क्रिकेट का नहीं है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया थोड़ा सा और उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो स्पॉन्स और शायक जो हैं वो बद्दी हो जाएंगे मैंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है तो आपको क्या लगता है कि अब इमीडिएट एक्शन क्या होने चाहिए हमारे देखें बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है स्पॉन्सर्स uh, का तो पता नहीं है लेकिन uh, शायक जरूर बदजन हो जाएंगे आप अभी किसी को जाके बाहर पूछ लेंगी तो वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान टीम फजूल है जी हमने इनको देखना ही नहीं है लोगों लोग ये बात करते हैं हाँ। हमने सु, सुने है सुने हैं खुद अपने कानों से सुना है तो ये परफॉर्मेंस uh, तब ठीक होती है शायक तब आपसे प्यार करते हैं जब तक आपकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है बाबर से लोग तब तक जुड़े रहे प्यार करते रहे उनके खिलाफ कोई एक लफ्ज़ लिखता था नीचे पूरी ब्रिगेड आ जाती थी वो तब तक थी जब वो परफॉर्मेंस दे रहे थे बाबर अब परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो अब वही लोग हैं जो उंगलियां उठाते हैं बाबर के खिलाफ बिल्कुल ठीक है जब आपकी परफॉर्मेंस होती है ना आपकी छोटी छोटी जो गलतियां कोताहियाँ होती हैं वो छुप जाती हैं जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती है फिर आपकी हर एक चीज वाजिया हो जाती है और आप जो है वो हाईलाइट होते हैं पूरी दुनिया में हमें इस टाइम पर यह चाहिए कि भाई आप जो है वो सारी टीम्स को बुलाएं सबसे पहले तो अब ये टूर्नामेंट हो रहा है हाँ अब इसमें से ये इन्होंने शुरू तो करवा दिया बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा अच्छी चीज़ होना भी चाहिए प्लेयर्स को मौका मिल रहा है लाइव टेलीकास्ट होगा <laughs> फ्रेंचाइज लेवल की क्रिकेट हो रही है मतलब उसमें जिस तरह होते थे स्पॉन्सर वगैरह वो सारा कुछ होगा बिल्कुल अब इसमें से अगर सलेक्शन कमेटी मोहम्मद यूसुफ साहब असद शफीक साहब और बाकी जो लोग हैं

माज़ अहमद उसके बाद मेहरान मुमताज़ उसके बाद हैं मोहम्मद अली मोहम्मद आमिर ख़ान साद खान और उसके बाद शामिल हुसैन शान मसूद तैयब ताहिर उबैद शाह यासर ख़ान और जमान खान तो ये, तो ये ये इतनी बड़ी टीम सर के पास आ गई है। अब इसमें से <laughs> अभी इसमें से सर प्लेयर तो होंगे। होने हैं सितंबर चार चार पाँच पाँच निकल गए अच्छा वोल्ड में मोहम्मद रिजवान इस टीम के कप्तान हैं। मोहम्मद रिजवान के साथ फखर जमान जो की दस सितंबर को आएंगे समद आकिब जावेद अली उस्मान बिलावल भट्टी हसीब अल्ला इफ्तार अहमद कामरन गुलाम मोहम्मद फैजान मोहम्मद इमरान जूनियर मोहम्मद सरवर अफरीदी मोहम्मद इमरान खान वाल से इनका तल्ल है नसीम शाह निसार अहमद सलमान अली आगा शाहनवाज धानी ने भी फिटनेस टेस्ट पास किया जाहिद महमूद जो स्पिनर हैं दादू से ज़ैन अब्बास मुल्तान के प्लेयर हैं तो ये वुल्स का स्क्वाड है और अब आया जी लॉयस जो किसी दौर में लाहौर लाइंस होती थी और हम लोग बड़ा उसको सपोर्ट करते थे इधर कज़ाफी स्टेडियम में भी सर जब लाहौर लाइंस और सियालकोट स्टैलियंस हाँ। ये टीम लाहौर का मैच होता था, था तो कामरा अकमल हाँ जी कामरान अकमल सलमान बट उमर अकमल ये उस टीम में लाहौर लाइन्स में बहुत बड़ी टीम बड़ी टीम थी वो ये वो इनकी जो लीग हुई थी एक चैंपियंस लीग वो जिसमें बायर आई पी एल की भी दो टीमें थी दो उसमें टीमें भी ये लाहौर लाइन्स गई थी खेलने थी, तो उसके कप्तान हैं जी शहीन शाह अफरीदी अब्दुल्ला शफीक आमिर जमाल आमिर यामीन, फैसल अक्रम हसन नवाज़ हुनैन शाह इमाम इमरान बट हु शाह मोहम्मद असगर मोहम्मद इरफान खान मोहम्मद ताहा उमैर बिन यूसफ रुहेल नज़ीर शहाब खान तरून सराज सराजुलद्दीन वकार हुसैन अच्छा जी पेंटर्स ये दूसरी दो टीमों के मुकाबले में थोड़ी ये जरा टीम है ठीक है सर यंगस्टर्स को मौका दिया है इसमें हाँ, इसमें हमने अगर हम दूसरी टीमों के निस्बत हाँ, अगर कंपेयर करें तो, तो इस से इस चीज़ से इनको एक नामो, नामो के से इस चीज में उनको अप्रीशियट भी करना चाहिए कि उन्होंने यंगस्टर्स जितने अंडर 19 के उनको उनको खास तौर पर बहुत ज्यादा मौका दिया मतलब उसमें इंटरनेशनल प्लेयर तो सर शहीन है अब्दुल्ला शफीक है आमिर जमाल आमिर यमीन है उसके बाद इमामुल हक है और इमरान बाटर खुश दिल चाहे तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आप सारे देखेंगे तो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस इमाम मुलक ने का कर लिया वो पास अपना क्या कहते हैं फिटनेस टेस्ट अभी तो सर फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है? अभी फिटनेस टेस्ट कल तो तो टीम ही नहीं ना शामिल किया था ये टेस्ट हालांकि उस बंदे का एवरेज भी बहुत अच्छी सारा कुछ बहुत अच्छा वो नहीं था सर वनडे वनडे में उनकी एवरेज इस हां जी उनकी वो बेसिकली पसंद नापसंद का कल्चर डेवलप जो हुआ है उस पे जैसे मैंने वजह से तो ये सवाल तो करें हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा अच्छा जी पैंथर्स का स्क्वाड है शादाब खान उसके कप्तान है जिनके सकलैन मुश्ताक उनके मेंटोर हैं अब्दुल वाहिद बंगल जई कोटा हैं अहमद बशीर हैं अली असवंद हैं अली रजा हैं अमाद ब्ट हैं अरफ़ात मिनहास हैं अजान अवैस हैं हैदर अली हैं मोहम्मद हसनैन है मोहम्मद उमर हैं मोहम्मद जिशान मुबसर खान रिहान अफरीदी रिजवान महमूद साइम मयूब उमर सिद्दीक उसामा मीर उस्मान ख़ान और उस्मान सलाहुद्दीन औरलाद्दीन nice. तो इसके बाद Very जो nice. आती है वो आता है जी डॉल्फिनस का स्कॉट उसमें सऊद शकीन इसके कप्तान हैं आफ्ताब इब्राहिम आसिफ अली अली फ़हीम अशरफ काशिफ़ अली मीर हमज़ा मोहम्मद हुरैरा मोहम्मद अब्बास अफरीदी मोहम्मद अखलाक मोहम्मद गाजी गोरी मोहम्मद रियाजुल्ला नुमान अली कासिम अक्रम समीन गुल सरफराज अहमद साहेबजादा फरहान सफियान मकीम और उमर यमीन और उस्मान कादिर तो ये पांच टीमें थी जिनके है? स्कॉड हैं लेकिन जो मेरा जो वोट जाता है वो जाता है थी स्टैलियंस की तरफ क्योंकि बहुत बड़ी टीम है और बड़े नाम भी हैं उसमें यंगस्टर्स और उसका कम्बिनेशन बेहतरीन बनाया शोए अली साहब ने तो दूसरी लाइंस का भी अच्छी है शहीन उसके कप्तान है और यंगस्टर्स को खास तौर पे मौका दिया तो ये अच्छी चीज़ है कि पांच जो टीमें हैं उसमें आप जब सीनियर्स के साथ अच्छा जो एक अंडर नाइनटीन का प्लेयर होगा वो जब बाबर आजम के साथ दगा आउट शेयर करेगा शान मसूद के साथ करेगा मोहम्मद हारिस के साथ आप शाहीन अफरीदी के साथ तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा साय में यू भी इसी तरह ही आए थे ना बाबर आजम ने उनका हौसला दिया पिशावर जलमी की तरफ अभी तक कि हम बांग्लादेश सीरीज जो है वो जीते होते तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये और ज्यादा बहाल हो जाता एक और रोप के साथ जो है वो हमारे सीनियर प्लेयर्स जो है वो जूनियर्स के साथ खेलते अभी तो फिलहाल एक बैरियर है काबिलियत के अंदर भी और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर भी मोराल के अंदर भी लेकिन इसी के साथ शाहनवाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया क़ादर आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और राबिया और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं आपको ज्वाइन करते हैं फोर पी तब तक के लिए बाय बाय